वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, तो कई बच्चों को व्हाट प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, तो आप बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को कंप्लीट देखो जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका सॉल्व द फॉलोइंग व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या है बच्चों ये व्हाट प्रॉब्लम है। तो आपको बच्चों हर एक चैप्टर के जो व्हाट प्रॉब्लम्स है उसमें मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि जब भी आप व्हाट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला बात है क्या रखना है बच्चों कि चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप अच्छे से एक दो बार पढ़ें। फिर दूसरे स्टेप में हमने ये बताया था आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो आप चीजें को लिखें, फिर उनके बाद क्या फाइंड आउट करना है ये आप थिंक करें, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है व्हाट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इक्वल 9 डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कह रहा है कि कुछ ट्री लगाया जा रहा है, प्लांटिंग किया जा रहा है 9 पार्क में। 9 पार्क है बच्चों, 9 पार्क, जिसमें ट्री कितने लगाने हैं, 7623 ट्री लगा चुका है। सो पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी ट्री वुड बी प्लांटेड इन वन पार्क। तो हमसे पूछ रहा है कि एक पार्क में कितने ट्री लगाएं। टोटल ट्री जो है बच्चों 7623 है जो 9 पार्क्स में मिला है, तो एक पार्क्स में कितने होंगे। तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड, अंडरस्टूड या नॉट। टोटल इतने हैं और 9 पार्क्स में इतने हैं, तो एक पार्क्स में कितने होंगे, तो इसको आप 9 से डिवाइड कर दोगे, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, राइट। तो मैंने बच्चों प्रॉपरली वर्ड में लिख करके किया हुआ है, तो आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, राइट। देखो क्या लिखा है मैंने, सिंपल इजी सा लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन 9 पार्क्स, 9 पार्क्स में कितना, 7623 है, ठीक है जी। नो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन 1 पार्क्स, एक पार्क्स में कितना होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 7623 को 9 से डिवाइड कर देना है, और जब 9 से अगर आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या करना है बच्चों, लिख देना है। तो क्या करोगे, पहले आप 7000 में 7623 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 847 आएगा। क्या होगा, 847। मतलब क्या हुआ कि एक पार्क में कितनी ट्री लगा रहे हैं, 847 ट्री जो है बच्चों 1 पार्क में लगाया जा रहा है, क्लियर। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके आंसर्स निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए 9 होल, ऐसे बच्चों 9 डिवाइड लिखिएगा 6023, आप इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से दिक्कत हो रहा है आपको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ आलिया एनुअल स्कूल फी इज 11580 व्हाट विल बी द मंथली फीस, राइट। तो इसका मंथली फीस क्या होगा आलिया का। एनुअल मतलब समझ में आता है बच्चों कि साल में जो एक बार लगता है ना, उसको हम लोग एनुअल फी बोलते हैं, ठीक है। जो साल में एक बार लगता है उनको क्या बोलते हैं, एनुअल फीस बोलते हैं। तो एक साल में उन्होंने 11580 रुपीज दिया, तो अब पूछ रहा है कि हर मंथली फीस कितना होगा। तो आपको साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ये चीज आपको पता है। तो एक मंथ की कितनी होगी, तो 11580 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो तो 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 965 आ जाएगा। तो पर मंथ जो आलियाज को पे करना पड़ेगा वो 965 जो है वो उनको पे करना पड़ेगा, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चलो आगे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, द पार्किंग फैसिलिटीज एट अ मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली कैन अकोमोडेटेड अप टू 5000 व्हीकल्स एट द टाइम इज अ पार्किंग स्ट्रक्चर्स इज 8 लेवल, सो हाउ मेनी व्हीकल्स कैन बी पार्क इन ईच लेवल। देखो कह रहा है कि जो दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है उनके पास कैपेसिटी है
8 लेवल में वो 5000 कार को पार्किंग कर सकता है। 8 लेवल में वो 5000 कार को पार्किंग कर सकता है। तो हमसे वो पूछ रहा है, आप मुझे बताओ कि 1 लेवल में कितने कार पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे डिवाइड कर दोगे 8 से, तो एक पार्क का निकल के आ जाएगा। तो चलो आप यहां पे डिवाइड करके देख लो, क्या है ये 5000 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 आ जाएगा जी। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हो जाएगा 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 16 और फिर क्या हो जाएगा 4 और फिर 0, 8 × 5 = 40, मतलब क्या हो गया 625 निकल के आ जाएगा। ठीक, कितना निकल के आ जाएगा, 625 निकल के आ जाएगा। मतलब हुआ 1 लेवल में वो 625 कार को क्या करेंगे, लगा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे 8 लेवल है तो ये 5000 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, कितने निकल के आ जाएंगे, 5000 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 625 × 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8000 निकल के आ जाएगा, सॉरी 5000 निकल के आ जाएगा। तो टोटल समझ में आ गया, सिंपल है बच्चों, आपको डिवाइड करना है। बट हाँ, कई बच्चों को स्टेप्स में प्रॉब्लम आ जाता है कि किस तरीके से वर्ड में लिखें, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और आराम से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्किंग 8 लेवल्स में इतने हैं, 1 लेवल्स में कितने हो, तो डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं आपको। 7635 स्टिकर्स वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल्स इन 16 डिफरेंट स्कूल्स। अच्छा, कह रहे 7635 स्टिकर जो है वो 16 डिफरेंट स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हाउ मैनी स्टिकर डिड ईच स्कूल गेट। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि हरेक स्कूल को कितना मिला, ईच स्कूल को कितना मिला। तो पहले आप 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है वेयर देयर आर द स्टिकर्स लेफ्ट ओवर, और कितने स्टिकर्स बच गए जो किसी स्कूल को नहीं मिला। राइट, तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टिकर 16 डिफरेंट में कितना हो गया, 7600 इतना, और ईच का तो डिवाइड कर दीजिए। तो अब 16 से इसको डिवाइड करना है आपको, और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर लिखना है, क्या रिजल्ट आएगा वो लिखना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 477 आ जाएगा। ईच स्कूल को बच्चों 477 स्टिकर्स मिलेगा, और 3 स्टिकर जो है बच जाएगा जो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको 2 आंसर्स देने थे, टोटल कितने आएंगे, 477 स्टिकर जो है हर एक स्कूल को मिलेगा, ईच स्कूल को मिलेगा, और जो है 3 स्टिकर्स ऐसे हैं जो किसी स्कूल को नहीं मिल पाएगा। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पे, इंडिपेंडेंस डे 6289 पीपल्स वर डिवाइडेड इनटू 20 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब टोटल जो है बच्चों 6289 पीपल्स है जिसके लिए 20 ग्रुप्स बनाया गया। कितने ग्रुप्स है, 20 ग्रुप्स है। तो हमसे पूछ रहा है देयर वर इक्वल नंबर्स ऑफ पीपल, ऑब्वियसली ईच ग्रुप में कह रहे इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स है। ठीक है, इन ईच ग्रुप हाउ मेनी पीपल्स वर देयर इन ईच ग्रुप्स, राइट, और हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट आउट। तो कह रहे टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं और कितने पीपल्स, कितने लोग इतने जो है वो ग्रुप में ऐड नहीं है या उस ग्रुप में आ नहीं रहे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने, 6289, तो 20 ग्रुप्स में है तो एक ग्रुप्स में कितने होंगे, तो ईच ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो 6289 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3018 आ जाएगा। तो कितने ग्रुप्स हो गए बच्चों, एक ग्रुप्स में इतने पीपल्स होंगे, 318 पीपल्स होंगे एक ग्रुप्स में, इतने पीपल्स होंगे, और 9 ऐसे लोग बच जाएंगे, इतने पीपल बच जाएंगे जो ग्रुप में ऐड नहीं, क्योंकि टोटल ग्रुप होने के लिए 20 पीपल चाहिए ना, तो ये 9 पीपल्स यदि ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे, इसके ग्रुप नहीं बन पाएगा। राइट, तो टोटल ग्रुप कितने हैं, 300 टोटल ग्रुप में, बार बार बोल रहा हूं, तो ईच ग्रुप में टोटल ग्रुप तो 20 ही है, तो 20 ग्रुप्स में एक ग्रुप्स में 318 लोग हैं और 9 लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं है। राइट,
आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ईच ग्रुप में कितने पीपल्स हैं, तो 318 और कितने पीपल लेफ्ट हैं, तो 9 पीपल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो कह रहे हैं, अ जग कंटेन्स 4341 ml ऑफ जूस, मतलब एक जग है जिसके अंदर बच्चों 4341 ml जो है जूस है, विच पोर्ड इज इक्वल इन 11 ग्लासेस। अब उनको बांट दिया गया 11 ग्लासेस में। सो कह रहे हाउ मेनी मिल्क जूस डज ईच ग्लासेस कंटेन, तो एक ग्लास में कितने जूस रह सकते हैं, कंटेन है रह सकते हैं, और हाउ मेनी मिल्क ऑफ जूस रिमेन इन द जग, और कितने जग में जूस बच गए। तो वही सेम बात करना है बच्चों, टोटल नंबर आपको पता ही है, तो क्या करोगे 4341 में 11 से डिवाइड कर दो, जब 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 394 ml आ जाएगा। मतलब एक ग्लास में बच्चों, एक ग्लास में 394 ml बच जाएगा, राइट, इतना होगा एक ग्लास में, ठीक है, और लेफ्ट जो बच जाएगा वो 7 ml जो है वो आपको जग में बच जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, चलो तो मैं एक आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बच्चों, मान लो ये आपके पास एक जग है, ठीक है, इस जग में कह रहा है कि 4341 ml क्या है, जूस है। अब इसको जो है छोटे छोटे 11 ग्लासेस में बांट दिया गया, कितने ग्लासेस में, ऐसे 11 ग्लासेस बना दिया बच्चों। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ एक ग्लास में कितने हैं, तो सिंपल आप बना सकते हो ना, ये हो जाएगा 394 ml हो जाएगा, ऐसे ऐसे 11 हैं, और 7 ml ऐसे हैं जो इसके बच जाता है, इस जग में क्या होता है बच्चों, बच जा रहा है, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिगर से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।